गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास टेंथ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 10, द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। इसके ऑथर हैं दास बेनहू, जो कि उनका कल्पित नाम है, वास्तविक नाम है जितेंद्र नारायण दास। तो अपनी एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें भारत के अंदर संयुक्त परिवार पर थके टूटने का वर्णन किया गया है। यानी कि इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो प्राचीन काल से चली आ रही एक व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था, वो अब टूट रही है। इस कहानी के अंदर मुख्य पात्र जो अपने मेन कैरेक्टर जिसको देखेंगे वो है बाबूली। उस व्यक्ति का नाम है बाबूली। और जैसे ही उसे अपने परिवार के झगड़े के बारे में पता चलता है, या जो विवाद है उसके बारे में पता चलता है, तो वो किस तरह से भावनात्मक रूप से दुखी या दुख महसूस करता है, तो अपने इसमें देखते हैं कि किस तरह से वो परिवार टूटता है। और उसी को यहाँ पर लेखक ने अपना स्टोरी के रूप में पेश किया है। तो लेट्स स्टार्ट। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस, माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही मैं अपने ऑफिस में पहुंचा और मेरी आंखें एकदम से डेस्क पर पड़े हुए एक लेटर पर रुक गई, ठहर गई। इट कंटेंड द फैमिलियर पेटिट हैंडराइटिंग ऑफ माय एल्डर ब्रदर। यानी कि अपने जो अभी बात की थी कि मुख्य पात्र बाबूली है, तो वही बाबूली यहाँ पे उसके माध्यम से लेकर यहाँ पे बोल रहा है। और वो कहता है कि जैसे ही मैं अपने ऑफिस में पहुंचा तो मैंने अपने डेस्क पर एक लेटर को पढ़े हुए देखा, वहाँ मेरी एकदम से आंखें ठहर गई और इसके अंदर मेरे बड़े भाई की परिचित छोटी छोटी हैंडराइटिंग यानी कि लिखावट थी। इट कंटेंट द फेमिलर पेटिट हैंडराइटिंग ऑफ माय एल्डर ब्रदर। एल्डर मीन्स बड़ा और यंगर मीन्स छोटा। तो वो कहता है कि जैसे ही मैंने देखा उस पत्र को, तो उसके पत्र के ऊपर मेरे बड़े भाई की वह छोटी छोटी परिचित लिखाई थी। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी। बहुत लंबे समय के बाद उसने मुझे पत्र लिखा था। आई सैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज। इन दिनों में अपने घर पत्र नहीं लिखने की वजह से मैं शर्म से गट गया। सैंक विद इन यानी कि दुखों के अंदर डूब गया। मुझे लज्जा महसूस हुई कि मैंने इन दिनों में अपने घर पर कोई पत्र नहीं लिखा था और आखिरकार उन्हें ही घर वालों को मुझे पत्र लिखना पड़ा, तो इसलिए मैं शर्म से गट गया यानी कि शर्म से डूब गया। इन माय स्टूडेंट डेज इट वाज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर। मेरे विद्यालय या स्कूल के दिनों के दौरान यह मेरा रोज़मर्रा का कार्य हुआ करता था। यानी कि लेखक कहते हैं जब मैं एक विद्यार्थी था, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो ये मेरा रोज का काम था कि मैं अपने घर पत्र लिखता था। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन ए रिकेटी बस कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेसन ऑफ द जर्नी। और लेखक कहते हैं कि उन दिनों, कब की बात हो रही है, लेखक जब एक विद्यार्थी था, यानी कि बाबूली जब एक विद्यार्थी था, उसकी बात हो रही है कि वो कहता है कि जब मैं एक विद्यार्थी था तो उन दिनों में मैं उस दूरवर्ती गांव एक खटारा बस के अंदर यात्रा की जो तनाव होता है उसकी परवाह किए बिना जाया करता था। कहने का मतलब कि एक तो वो दिन थे जब मैं एक विद्यार्थी था, तो मैं क्या करता था, एक तो प्रतिदिन यानी कि लगभग हमेशा ही अपने घर पत्र लिखा करता था, और जो दूरवर्ती गांव में जाने के लिए एक खटारा बस थी जिससे यात्रा का जो तनाव होता था, स्ट्रेस जो होती थी, उसकी परवाह किए बिना ही मैं प्राय घर चला जाता था। माई होम माई विलेज दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरीबंड सिटी लाइफ। मोरीबंड का मतलब होता है मृत प्राय।
सिटी लाइफ का मतलब शहरी जीवन, और वो कहते हैं, कहता है बाबुली, कहता है कि मेरा घर मेरा गांव। मुझे इस मर्दप्राय शहरी जीवन से दूर खींचते थे, यानी कि वे मेरे गांव और मेरा जो घर था वो मुझे आकर्षित करता था, किससे, इस शहरी जीवन के मर्दप्राय जीवन से। तो कहने का मतलब कि मेरा गांव और मेरा घर मुझे शहर के मृतप्राय जीवन से आकर्षित करते थे, यानी कि घर की तरफ खींचते थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई टू हैव चेंज्ड ए ग्रेट डील एट दैट। और लेखक कहता है कि अब मैं भी बदल चुका हूँ और अब वो परिस्थितियाँ भी बदल चुकी है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, यानी कि अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है, एंड आई टू हैव चेंज्ड, मैं भी बदल चुका हूँ, ए ग्रेट डील एट दैट, यानी कि उस समय के बदले बहुत अधिक। A lot of cobwebs have settled around me. Cobwebs मकड़ी के जाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियों या जो समस्याएं हैं उनकी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, cobwebs. A lot of cobwebs have settled around me. Settled का मतलब घेरे होना, around me चारों तरफ, यानी कि मेरे चारों तरफ एक समस्याओं का बहुत बड़ा मकड़ जाल है। यानी कि जिस तरह से एक मकड़ी का जाला होता है वो किसी एक चीज़ के चारों तरफ बहुत अधिक सघनता से बुना हुआ होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे बाबुली कहता है कि इस समय मैं भी समस्याओं के मकड़ जाल से जकड़ा हुआ हूँ, यानी कि समस्याओं का जो मकड़ जाल है उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। आई एम स्वेप्ट बाई दैट इनविजुअल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस। स्वेप्ट बाई का मतलब यहाँ पे है अत्यंत व्यस्त, यानी कि लेखक कहता है कि इस समय मैं आदर्श समय के आदर्श ज्वार बाटा और कार्य में अत्यंत व्यस्त हूँ। इनविजुअल का मतलब आदर्श, टाइट का मतलब ज्वार बाटा। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेयर आई गोट माई जॉब एंड नाउ फॉर दिस टू ईयर्स आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस। और उसके बाद में बाबुली कहता है कि मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था, वहीं मुझे कार्य मिल गया, और इन दो वर्षों के दौरान अब मैंने घर के बारे में यहाँ तक कि एक बार भी नहीं सोचा था। यानी कि लेखक कहता है कि अब मैं जब मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था तो वही मुझे जॉब मिल गई, कार्य मिल गया, नौकरी मिल गई, और पिछले दो वर्षों के दौरान मैंने घर के बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैनी ए टाइम माई मदर हैज रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। बहुत बार मेरी माँ ने मेरे द्वारा उनके पत्रों की उपेक्षा करने की शिकायती पत्र लिखे, यानी कि मेरी माँ ने भी बहुत बार मेरे द्वारा उनके पत्रों की उपेक्षा करने की शिकायत भी की गई। शी हैड इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन। उन्होंने मुझे मेरे शादी से पूर्व के दिनों की याद दिलाई। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स ऑफ कॉम्प्लिसेंसी विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी। उसके बाद में लेखक कहता है फिर भी मैं कभी भी अपने उस आत्मसंतुष्टि के दागों को तोड़ने में समर्थ या सक्षम नहीं हुआ हूँ जो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यानी कि लेखक कहता है फिर भी मुझे कभी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई है, मैं उन आत्मसंतुष्टि के जो दागे हैं उनको तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ हूँ जो मेरे चारों तरफ मुझे घेरे हुए हैं या लिपटे हुए हैं। I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. और उसके बाद में लेखक कहता है कि मैं यह सिद्ध करने के लिए कि मैं व्यस्त और चिंता मगन हूँ शांत रहा हूँ, मतलब कि मैंने उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया है। I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. यहाँ पे लेखक कहता है कि मैं अपने आप को यह सिद्ध करने के लिए कि मैं बहुत व्यस्त और चिंता मगन हूँ मैं शांत रहा। नाउ सी डज नॉट कंप्लेन, और अब वह मुझसे कोई शिकायत नहीं करती है। कौन? बाबुल की माँ। प्रोबेबली सी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, संभवतः वह मेरी स्थिति को समझती है। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, सामान्यतः मेरे बड़े भैया या मेरा बड़ा भाई मुझे पत्र नहीं लिखता है।
यानी कि बाबुली बोलता है कि प्राय ये होता है कि मेरा बड़ा भाई मुझे पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उसे यानी कि उस बड़े भाई को मेरे से कुछ भी काम नहीं है या मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो मुझसे कुछ नहीं चाहता है। ही हैज़ नेवर सॉट ए टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर। उसके बाद में शॉर्ट का मतलब होता है चाहना, टोकन का मतलब वस्तु या उपहार, इन ल्यू ऑफ के बदले में, और कंसर्न होती है जिम्मेदारी। और लेखक कहते हैं कि उसने अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी के बदले में मुझसे कोई भी वस्तु नहीं चाहिए है, यानी कि वो ये नहीं कहता है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, यानी कि उसने अपने बड़े भाई होने के दौरान भी, अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान भी उसके बदले में मुझसे कुछ नहीं चाहा है। इन दोज डेज व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वाज माई वेल बींग, और उन दिनों में जब मैं एक विद्यार्थी था तो वह मेरे कुशल क्षेम के बारे में ही पूछताछ किया करते थे। यानी कि अगर उन्होंने मुझे कभी पत्र लिखे भी जब मैं एक विद्यार्थी था तो वो भी सिर्फ मेरे कुशल क्षेम पूछने के लिए लिखा कि आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो, इसके बारे में, न कि कुछ चाहने के लिए। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर ए गुड डिश फॉर आई लव्ड फिश। उसके बाद में बाबुली कहता है कि जिस समय मैं घर में ठहरा हुआ होता था या जिस समय मैं घर में होता था, वह हमारे घर के पीछे के तालाब में मछली पकड़ा करते और अपनी पत्नी से एक अच्छा सा व्यंजन तैयार करने के लिए कहते, क्योंकि मुझे मछलियाँ पसंद थी। When the catch was scanty, the dish would be prepared exclusively for me. और उसके बाद में बाबुली बोलता है कि जब कभी मछलियाँ बहुत कम मात्रा में पकड़ी जाती, यानी कि मछलियों की मात्रा बहुत कम होती, तो वह व्यंजन केवल मेरे लिए तैयार किया जाता। एक्सक्लूसिवली का मतलब केवल या मात्र। ही वुड से टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहा करते, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली। यानी कि वो क्या कहते कि वो अपनी पत्नी को कहते कि तुम्हें सरसों के मसाले का इस्तेमाल करते हुए जितनी स्वादिष्ट हो सके उतनी स्वादिष्ट व्यंजन बाबुली के लिए बनाना चाहिए। यानी कि वो यहाँ पे बाबुली अपनी भाई का स्नेह, अपने प्रति प्यार जो है वो बता रहा है कि वो कितना अधिक प्रेम उससे करते थे, कि कभी भी उन्होंने उससे बदले में कुछ नहीं चाहा, वो हमेशा उसकी कुशल क्षेम पूछते थे, और जिस समय वो घर पे होते थे तो वो अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए घर के पीछे जो तालाब था वहाँ से मछलियाँ पकड़ते और एक अच्छा सा व्यंजन तैयार करने के लिए अपनी पत्नी को कहते, और यदि वो मछलियों की मात्रा कम होती कि सभी के लिए उससे व्यंजन बनाना मुश्किल होता तो केवल बाबुली के लिए व्यंजन बनता, और उसमें भी वो अपनी पत्नी को ये हिदायत देते कि सरसों के मसाले का इस्तेमाल करते हुए, मस्टर्ड मतलब सरसों पेस्ट होता है मसाला, कि सरसों के मसाले का इस्तेमाल करते हुए जितना स्वादिष्ट वो बना सकती है उतना स्वादिष्ट व्यंजन वो बाबुली के लिए बनाए। इवन नाउ ही इज द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपेंशन। और उसके बाद में लेखक कहता है कि अब भी वह वही व्यक्ति है, उन्हीं प्रेमपूर्वक और दया के भाव वाले, यानी कि अपने भाई के बारे में बता रहा है कि बाबुली कहता है कि अभी भी मेरा बड़ा भाई उसी प्रेम और दया के भाव के साथ वही व्यक्ति है। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, हिज सेवन चिल्ड्रन, फादर, मदर, कैटल, फील्ड्स, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसके बाद में वो बाबुली कहता है कि चाहे उनके साथ बच्चे हों, पिता हो, माँ हो, मवेशियाँ हो, खेत हो और गृह कार्यों की जिम्मेदारियाँ, इन सब में से कोई भी उसे नहीं बदल पाई है। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, यानी कि किसी ने भी उन्हें नहीं बदला है, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ रही हो, उनका प्रेम और उनकी जो सहानुभूति मेरे साथ है, दया जो मेरे ऊपर है, वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है। ही इज द सेम माई एल्डर ब्रदर, वह मेरे बड़े भैया वैसे ही हैं जैसे।
पहले थे। आगे है आई हैंडल द लेटर केयरफुली। हैंडल का मतलब वैसे तो होता है संभाल कर रखना, लेकिन यहाँ पे है पढ़ना। मैंने पत्र को सावधानीपूर्वक पढ़ा। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम। उन्होंने मुझे घर आने के लिए बोला था। सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप। फ्यूड का मतलब होता है विवाद या झगड़ा। क्रॉप्ड अप का मतलब होता है पैदा होना या उत्पन्न होना। यानी कि उस पत्र में लिखा हुआ था मुझे घर आने के लिए, क्योंकि किसी विषय पर विवाद उत्पन्न हो गया था। टू सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वेरल। और उसमें लिखा था कि दो भाभियों के बीच में, सिस्टर इन लॉ का मतलब यहाँ पे भाभियों से है, कि दो भाभियों के बीच में झगड़ा हो गया था। आवर पेडी फील्ड्स द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल एंड इमूवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स अमंगस्ट अस। और वहाँ पे बाबुली बताता है कि हमारे चाहे धान के खेत हो, हमारा निवास स्थल हो, या फिर कोई भी चल या अचल संपत्ति, वो हम तीनों के बीच में तीन हिस्सों में बांटी जानी थी। इसका मतलब कि बाबुली और तीन भाई हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है उसने कि चाहे हमारे धान के खेत हो, चाहे हमारा घर हो, कॉटेज का मतलब निवास स्थल या कुटिया के लिए भी यूज होता है, और चाहे कोई भी चल या अचल संपत्ति हो, उनको तीन हिस्सों में बांटा जाना था। माई प्रेजेंस वाज इनडिस्पेंसेबल। और मेरी उपस्थिति है वो बहुत आवश्यक थी। इसीलिए यानी कि वो कहते हैं कि मेरे भाई ने मुझे पत्र लिखा था और उसमें ये लिखा था कि मुझे घर आना है, क्योंकि घर में कोई झगड़ा हो गया है, दो भाभियों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें कि हमारी जो भी चल या अचल संपत्ति थी उसको तीन हिस्सों में बांटा जाना था। इसलिए दो भाई वहाँ पे थे और तीसरा मैं था, इसलिए मेरी उपस्थिति आवश्यक थी। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वाज सो पार्टिकुलर एंड एडमंड अबाउट द डिविजन, ही वॉन्टेड इट एनी एट एनी कॉस्ट। उसके बाद में बाबुली बोलता है कि यह मेरा मंजिला सेकेंड ब्रदर यानि कि बीच वाला मंजिला भाई था, जो कि किसी भी कीमत पर बंटवारा चाहता था और बंटवारे के लिए क्या था, अडिग था। एडमंड का मतलब अडिग, नहीं हिलने वाला, नहीं डिगने वाला। यानी कि मेरा मंजिला भाई जो कि विभाजन के लिए अडिग था, वह किसी भी कीमत पर विभाजन चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर। मैंने पत्र को पढ़कर समाप्त किया। ए कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड मी। और एक किसी चिंता की वजह से जो पसीना आता है, तो ड्रेंच्ड का मतलब होता है भिगो देना, और लेखक कहता है कि एक ठंडे पसीने ने मुझे भिगो दिया। यानी कि जो चिंता मुझे थी, जो परेशान मैं हो रहा था, दुख मैं महसूस कर रहा था, उससे परेशानी की वजह से मेरे शरीर से निकलने वाले पसीने ने मुझे भिगो दिया। आई फेल्ट हेल्पलेस ऑर्फन। और मैंने असहाय अनाथ महसूस किया। ऑर्फन का मतलब अनाथ। ए शॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक तरह की निराशा लंबे समय तक मुझे डराती रही। हॉन्टेड का मतलब डराते रहना, यानी कि वो कहते हैं कि एक प्रकार की जो निराशा थी वो लंबे समय तक मुझे घेरे हुए थी और मैं भयभीत था। क्वाइट रिलेंटलेसली आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे योनिंग हेल्पलेसली इन ए चेयर। और लेखक यानी कि बाबुली कहता है कि जम्हाई लेते हुए अपनी चेयर के अंदर, असहाय रूप से जम्हाई लेते हुए अपनी चेयर के अंदर बैठे हुए मैंने निर्ममता से हताशा को या हताशा के जो भाव थे उनको दूर करने की कोशिश की या प्रयास किया। लेखक कहता है कि जब ये सब हो गया तो मैंने ऐसा अनाथ महसूस किया और ये जो निराशा थी वो मुझे लंबे समय तक डरा रही थी, और अंततः मैं जम्हाई लेते हुए जब चेयर पर बैठा हुआ था तो मैंने उन निर्ममता से जो हताशा थी वो मुझे पीड़ित कर रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ अबाउट द पार्टीशन दैट वाज टू टेक प्लेस। लेखक यानी कि बाबुली कहते हैं शाम के समय जब मैंने विभाजन के बारे में जो कि होना था अपनी पत्नी को बताया,
बाबुली कहता है कि शाम के समय उस विभाजन के बारे में जो होना था मैंने अपनी पत्नी को बताया। आई फाउंड हर टोटली अनप्रिटर्ब। और लड़के कहता है कि मैंने उसे बिल्कुल अप्रभावित पाया, यानी कि वह मेरी उस कथन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई, वह अप्रभावित थी। अनप्रिटर्ब्ड का मतलब होता है अप्रभावित। सी जस्ट आस्क मी व्हेन, उसने केवल मुझसे पूछा कि कब, यानी कि क्या कब। वो पार्टीशन जो होना था, विभाजन जो होना था, उसके बारे में उसने पूछा कि कब होगा। एज इफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस। और ऐसे लगा मानो कि वह इस घटना के लिए पहले से ही तैयार और इंतजार कर रही थी, यानी कि वो पहले से ही तैयार थे कि विभाजन होना चाहिए। उसका भी माइंड ऐसा ही था। लेके कहता है, बाबुली कहता है कि मैंने ऐसा सोचा। इन ए वीक्स टाइम आई सेड, और बाबुली कहता है तब मैंने कहा कि सप्ताह भर में। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। बिस्तर में उस रात्रि को मेरी पत्नी ने सभी प्रकार के सवाल मुझसे किए, प्रश्न मुझसे किए, यानी कि वो क्वेश्चन किस टाइप के थे। व्हाट वुड बी आवर शेयर एंड हाउ मच वुड इट फेच अस ऑन सेलिंग इट, यानी कि उसने क्वेश्चन किया कि हमारा हिस्सा कितना होगा और उससे बेचकर हमें कितना धन प्राप्त होगा। आई सेड नथिंग फॉर ए वाइल, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर एट लास्ट गेस्ट दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज। और बाबुली कहता है कि मैंने कुछ देर के लिए तो कुछ नहीं कहा, परंतु उसे संतुष्ट करने के लिए अंततः मैंने अनुमान लगाया कि यह 20,000 रुपये होंगे। सी केम क्लोजर टू मी एंड सेट, वह मेरे और निकट आई और उसने कहा, वी डू नॉट नीड एनी लैंड इन द विलेज, व्हाट शैल वी डू विद इट। और उसने मुझे मेरे और करीब आते हुए कहा कि हमें गांव के अंदर किसी भी तरह की भूमि की आवश्यकता नहीं है, हम उसका क्या करेंगे। लेट सेल इट एंड टेक द मनी, हम उसे बेच देंगे और उससे धन प्राप्त करेंगे, यानी कि हम उसको बेचकर पैसा ले लेंगे। रिमेंबर वेन यू शैल इट हैंड ओवर मी द एंटायर 20,000। और उसके बाद में उसने एक तरह से आदेशात्मक लहजे में कहा, और यह भी याद रखना कि जब तुम्हें इसे उस भूमि को बेचो तो वो सारे 20,000 रुपये मुझे थमा देना, मुझे सौंप देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं उसका सदुपयोग करूँगी। वी नीड ए फ्रिज यू नो, तुम्हें पता है हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। समर इज अप्रोचिंग, गर्मी आ रही है। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग ए बाइसिकल, और तुम्हें ऑफिस जाने के लिए एक साइकिल की जरूर आवश्यकता नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन ए बैंक, और शेष राशि को हम एक बैंक में रख देंगे। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, गाँव के अंदर भूमि का कोई उपयोग नहीं है। वी कॉन्ट लुक आफ्टर इट, एंड वाई शुड अदर ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ आवर लैंड्स। और उसके बाद में कहती है कि हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते, और हमारी भूमि से कोई दूसरा लाभ क्यों उठाए। कहने का मतलब वो कहती है कि अगर भूमि हमारी है तो दूसरे को उससे लाभ क्यों मिले, उसको क्यों लाभ उठाना चाहिए। हम उसकी देखभाल ही नहीं कर सकते, तो हम उसके रख के क्या करेंगे, हम उसे बेच देंगे और उससे पैसे मिलेंगे। I listen to all this like an innocent lamb looking into the darkness. और बाबुली कहता है कि मैंने अंधेरे में जागते हुए एक मासूम भेड़िए के सम्मान या मेमने के सम्मान उसको सुना। Innocent मिस होता है मासूम, सीधा साधा बोला जो होता है। लैम्ब मिस मेमना होता है, यानी कि मैंने एक मासूम मेमने के सम्मान अंधेरे में जागते हुए इन सबको सुना, यानी कि जो उसकी पत्नी उसे बता रही है, जो सजेशन दे रही है, वो सब वो सुन रहा है। आई फेल्ट एज इफ द ब्यूचर वाज शार्पनिंग हिज नाइफ, हमिंग ए ट्यून एंड वेटिंग टू टीयर मी इन टू लार्ज चंक्स ऑफ मीट एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज ए बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। और लेके कहता है मैंने महसूस किया मानो कि कोई एक कसाई गुनगुनाते हुए अपने चाकू को तेज कर रहा है और मेरे मांस के बड़े बड़े टुकड़े, मुझे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में काटने के लिए तैयार है, और साथ में ही यह कहते हुए मुझे सांत्वना दे रहा है। कंसोलिंग का मतलब होता है सांत्वना। यह कहते हुए मुझे कोई सांत्वना दे रहा है कि मृत्यु के बाद का जीवन बेहतर है, यानी कि जिस समय
मेरी पत्नी मुझे वो उपदेश दे रही थी, वो सजेशन दे रही थी, और मैं अंधेरे में एक मेमने के समान ऐसा रूप से उसको सुन रहा था। यहाँ पे मेमने का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, बाबुली ये कहना चाहता है कि मैं वहाँ पे ऐसा आया था, मैं अपनी पत्नी के बारे में या अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए मैं ऐसा आया था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई एक कसाई है, वो साथ में तो गुनगुना रहा है, हमिंग का मतलब गुनगुनाना, साथ में तो कोई एक गाना गुनगुना रहा है, साथ में अपने चाकू को तेज कर रहा है कि वो मेरे शरीर को बड़े बड़े मांस के टुकड़े करने वाला है, और साथ में मुझे ये कहते हुए सांत्वना भी दे रहा है कि मृत्यु के बाद का जीवन बेहतर है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।